उसके बाद आपके पास फोर्थ केस है, वो क्या है कि आपके पास एक अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन गिवन है, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 11 है, मैं दोनों ही करवा दूंगा आपको। पार्ट नंबर 1 के आपके पास 2x³e और उसकी पावर x²dx, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा ईजी है, इसमें आप क्या करो, ब्रेक कर दो थोड़ा। देखो x² है ना, x² का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x dx, ठीक है, dx तो मौजूद है, 2x क्या करो, इसमें से 2x निकाल लो, जब 2x निकालोगे तो x² बच जाएगा और 2x dx इस तरह लिख दो, ठीक है। अब आप क्या करो, u को लेट कर लो x² के बराबर, तो डिफरेंशिएट करो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और dx को तरफ भेजो तो सिर्फ डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x dx के बराबर, ठीक है। ये वही चीज़ है जो मैं बोलता हूँ ना कि u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x है, लेकिन सिर्फ u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x dx हो जाएगा, ठीक है। ये वही चीज़ है कि x² का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2x है और सिर्फ x² का डेरिवेटिव क्या है, 2x dx है, ठीक है। अब पुट कर दो उसके अंदर, x² किसके बराबर है, u के बराबर, ये चीज़ पूरी किसके बराबर हो जाएगी, देखो e अपनी जगह पे आ जाएगा, x² u के बराबर है तो u हो जाएगा, और 2x dx किसके बराबर है, du के बराबर है, ठीक है। अब इसे मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो। क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला कहता है u, इतफाक से u आपके पास u ही है यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इंटीग्रल vdx, v आप लेट कर लो इसको, e की पावर u को ले लो, ठीक है। जब इसको इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू u तो आपके पास इंटीग्रल e की पावर u ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो इंटीग्रल vdu के आपके पास होगा e की पावर u ही होगा, ठीक है, माइनस इंटीग्रल du/dx। अच्छा, इसमें आपके पास नॉर्मल जो आप डिफरेंशिएट करते हो u को विद रिस्पेक्ट टू x करते हो, लेकिन यहाँ आपके पास वेरिएबल क्या u है, तो u को डिफरेंशिएट करो, ये वाला u जो है इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू u, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। उसके बाद इंटीग्रल vdu किसके बराबर होगा, e की पावर u के, और वेरिएबल कौन सा, du है। अगेन ये मैं आपको हर सवाल में करवाता हूँ, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊँगा। ये अपनी जगह पे आ जाएगा, e की पावर u और du, इसका इंटीग्रल क्या होगा, सिर्फ e की पावर u होगा, ठीक है। अब क्या करो, e की पावर u कॉमन ले लो तो आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, u किसके बराबर है, x² के बराबर है, तो जहाँ जहाँ u है x² लिख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस सवाल में डायरेक्ट मैंने करवाया, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाह रहे, मतलब वो पूरे प्रॉपर स्टेप करना चाह रहे हो, तो u को अब u के बराबर ही ले लो और v को e के पावर u के बराबर ले लो, और इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू u और इसको इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू u, उसके बाद ये फॉर्मूला एक्सपेंड करो, यही आएगा आपके पास, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 है आपके पास, ठीक है। अब अल्जेब्रिक है और उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, तो पहले अल्जेब्रिक आता है, अल्जेब्रिक को u ले लो आप, u हो जाएगा x³ के बराबर और v हो जाएगा e की पावर 2x के बराबर। अच्छा, यहाँ जो u लिया है ना, ये वो वाला u नहीं है जो इंटीग्रेशन में पार्ट वाला लिया था, यहाँ मैंने सिर्फ सब्सटीट्यूशन वाला u लिया था, ठीक है। इंटीग्रेशन में पार्ट का ये था जो मैंने शो नहीं किया, जो इस तरह आप लोगे, ठीक है, ये u था सब्सटीट्यूशन वाला जो आपने किया, 6.3 6.1 में भी कुछ लोग सब्सटीट्यूशन करते हैं। अच्छा, इसमें आप अल्जेब्रिक को u ले लो और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसको v ले लो, डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास 3x², इसको इंटीग्रेट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1/2 e की पावर 2x आ जाएगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला एक्सपेंड करो, ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अगेन आराम से आप देख लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, मैंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करो, फाइनल आप फॉर्म आपके पास ये आ जाएगी। अब इसमें देखो आपके पास अगेन अल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करो। अब इसमें x² का u ले लो, डिफरेंशिएट करोगे 2x आ जाएगा, और e की पावर 2x को इंटीग्रेट करो तो 1/2 e की पावर 2x आ जाएगा, ठीक है। गाइस, यहाँ तक तो हमने समझ लिया था। अब देखो, ये जो हमने u और v की वैल्यू फाइंड कर ली थी, u को डिफरेंशिएट कर लिया था और v को इंटीग्रेट कर लिया था, अब इस वाले इंटीग्रल पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई कर दो, क्या होगा, u x² के बराबर है, इंटीग्रल vdx वो किसके बराबर है, 1/2 e की पावर 2x, माइनस इंटीग्रल du/dx वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है, और इंटीग्रल vdx 1/2 e की पावर 2x ब्रैकेट क्लोज dx आ जाएगा। सॉल्व करो, आपके पास एक और इक्वेशन बोल दो, इसको भी इक्वेशन नंबर 2 बोल दो, क्योंकि हमें ये नहीं पता। अब आप ये फाइंड करो, इसमें x को u के बराबर ले लो और e की पावर 2x को v के बराबर लो, डिफरेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करो। अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाओ, u इंटीग्रल vdx माइनस इंटीग्रल du/dx मल्टीप्लाई इंटीग्रल vdx और ब्रैकेट लगा के dx कर दो। अब इसको सॉल्व करो। अच्छा, e की पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किस तरह इंटीग्रेट करते हैं कि जो भी एक्सपोनेंशियल की पावर है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, 2dx,
मौजूद नहीं है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रल क्या होता है, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है वह आंसर होता है, वो इंटीग्रल होता है आपके पास, ठीक है। तो इस पूरी चीज का आंसर ये आ जाएगा, जो भी इसकी वैल्यू आई है वो पुट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में। तो इक्वेशन नंबर 2 में जब पुट करोगे इसकी वैल्यू, ये वाली पुट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। फिर जो भी इस चीज की वैल्यू है, ये वाला जो है, जो भी इसकी वैल्यू आई है आपके पास, ये पूरी ये पुट कर दो इक्वेशन नंबर 1 में, जो शुरू में हमने पहली इक्वेशन बनाई थी इसमें, ठीक है। तो जो भी ये वैल्यू है वो पुट कर दो इसके अंदर, -3/2 के बाद जो भी है वो आप लिख दो मल्टीप्लाई के फॉर्म में, प्लस ये आ जाएगा। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये सारी टर्म आ जाएंगी। अब इन सब टर्म में आपके पास e की पावर 2x और 2 ये कॉमन आ रहा है, तो इन चारों टर्म में से वो कॉमन ले लो, प्लस ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। गाइस उसके बाद आपके पास लास्ट केस है, अब वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक साथ मौजूद है। अच्छा ये वाहिद केस है जो बहुत मुश्किल है, क्यों, क्योंकि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आप डेरिवेटिव लो तो कभी खत्म नहीं होगा, डेरिवेटिव लेते जाओ कभी खत्म नहीं होगा, साइन कॉस इसी में चेंज होता रहेगा, ठीक है। और अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल लो तो फिर भी साइन कॉस फॉर्म में चलता रहेगा। इसी तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लो या इंटीग्रल लो, ये कभी एंड नहीं होते फंक्शन, ये चलते रहते हैं, ठीक है। जैसे अल्जेब्रिक फंक्शन है वो, अगर आपके पास एक्स क्यूब है तो खत्म, आप डेरिवेटिव फाइंड करोगे 3x² आ जाएगा, फिर डेरिवेटिव फाइंड करोगे 6x हो जाएगा, फिर फाइंड करोगे 6 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये खत्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू ले लो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वी ले लो, लेकिन फायदा कुछ नहीं है, खत्म इसमें कुछ नहीं हो पाएगा, हमें दूसरी टेक्निक करनी पड़ेगी, ठीक है। और वो बताऊंगा क्या करना है, आपने डिफरेंशिएट करो आपके पास याद आएगा, इंटीग्रेट करो आपके पास याद आएगा, और इस पे आप लगाओ इंटीग्रेशन बाय पार्ट का यू इंटीग्रल वी डी एक्स माइनस इंटीग्रल डी यू बाय डी एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रल वी डी एक्स और टी एक्स, ये फॉर्मूला आपके पास, ठीक है। सिंपलीफाई करो आपके पास याद आएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। उसके बाद इस इंटीग्रल को कंसीडर करो, इसमें आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यू ले लो और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को वी लो, इसको डिफरेंशिएट करो, इसको इंटीग्रेट करो, उसके बाद इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगा लो। यू क्या है, कॉस 2x इंटीग्रल वी डी एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रल डी यू बाय डी एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रल वी डी एक्स और फिर डी एक्स आ जाएगा आपके पास, ठीक है। इसको सॉल्व करो आपके पास ये आ गया। अब आप क्या करो, जो इक्वेशन 1 आपने लेट की थी, ठीक है, जो इक्वेशन 1 थी आपकी, उसके अंदर जो वैल्यू फाइंड की है ना आपने, ये वाली वैल्यू जो फाइंड की है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। 2/3 कॉमन था, जो भी वैल्यू है इसकी वो इसके अंदर पुट कर दो, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। इस पूरी चीज़ को इंटीग्रल e की पावर 3x sin 2x dx, इसको i के बराबर ले लो, क्यों, क्योंकि सवाल में लेट कर लेना, इस वाली चीज़ को लेट कर लेना सवाल में, i के बराबर है, ठीक है। देखो ये वाली चीज i के बराबर है, तो मैंने यहाँ i लिख दिया था जब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट करके एक्सपेंड किया था मैंने, तो ये मेरे पास i था। और देखो बिल्कुल सेम चीज़ यहाँ मेरे पास मौजूद है, ठीक है, तो ये भी i के बराबर है, तो इसकी जगह मैंने क्या किया, i लिख दिया। अब देखो अब फायदा होगा आपको i लिखने का, अगर आप i नहीं करोगे ना तो यहाँ भी एक बड़ा सा इंटीग्रल लिखना पड़ेगा और यहाँ भी बड़ा सा इंटीग्रल लिखना पड़ेगा, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो अगर i लिखोगे तो आसानी से LCM जो आप लोगे i का आसानी से LCM हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, तो ये i तो आपके पास ये भी i हो जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करो तो आपके पास -4/9 i आ जाएगा। अब देखो यहाँ सिर्फ कोफिशियंट क्या होगा, 1 होगा ना, 1 i मौजूद है और यहाँ -4/9 i मौजूद है, इसको इधर ले आओ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। i कॉमन लो तो 1+4/9, LCM लोगे तो क्या होगा, 13/4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है, बाकी तो अपनी जगह पे। अब देखो 13/4 आपके पास आएगा, ठीक है, वहाँ लेके जाओगे तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 9/13 हो जाएगा। जैसे देखो अगर आपके पास, मैं कहाँ लिखूँ, जैसे इसको मिटा देते हैं, आपके पास है ना आई, आई वो वाला आई नहीं जब चोट लगती है, आई खैर 13/9 है, 13/9 आएगा आपके पास, जब आप उधर लेके जाओगे तो इस तरह डिनोमिनेटर में आ जाएगा 13/9, ठीक है, और रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करोगे तो 9/13 इन सब टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस टर्म से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा, 9/36, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ -2/13 बच जाएगा आपके पास। अब 9/36 क्या होता है, 3/13 ये चीज़ आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म से आपके पास e की पावर 3x और 1/13 कॉमन आ रहा है, कॉमन लो तो फाइनल आपका आंसर ये आ जाएगा। तो इंटीग्रल i जो ये वाला था उसका आंसर आपके पास ये आ गया, ठीक है।